हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी पार्ट 3 सफलता का मूल मंत्र पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इससे रिलेटेड कुछ आपको मुख्य बातों पर स्ट्रेस करना चाहूंगी मैं, और आप एक बात जान लें कि श्रम ही सफलता का मूल मंत्र है। बिना परिश्रम, बिना मेहनत का हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। अभ्यास, निरंतर हमें अभ्यास करना है और मन में एक लक्ष्य लगन कि हमको ये काम बिल्कुल कर ही लेना है। परिश्रम से हम हर कठिनाई को आसान बना सकते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी कि जब एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता समाज निर्धारित कर देते हैं कि हमें इस बच्चे को क्या बनाना है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप जैसे जैसे बड़े होंगे तो आपको तमाम कठिनाइयां आएंगी उस रास्ते पर चलने के लिए, तो क्या हम वो चलना छोड़ देंगे? अब जैसे छोटी सी एक बात ले लेते हैं, आप पढ़ते हैं, पढ़ के यहां से जाते हैं, कई बार गांव के आसपास के या कुछ लोग जेलसी से, ईर्ष्या से आपसे कुछ अटपटाटा सवाल पूछे, हो सकता है आप जवाब दे दें या नहीं दें। दे दिए तो अच्छी बात है, नहीं देने पर फिर आपकी बात, आपकी बुराई, कैसे स्कूल में पढ़ते हो, क्या, ये तमाम बातें होती है, इसको कुछ आपको अन्यथा नहीं सोचना है। इससे भी अगर उस व्यक्ति को अगर जलन है तो आपको कुछ गलत रास्ते पर चलने के लिए वो प्रेरित करने लगेगा, कुछ गलत बातें बताएगा। चाहे आप दोस्त साथी भी देख लीजिए कि कुछ आपको ऐसे अपशब्द का प्रयोग करेगा कि देख लो इस तरह से बातचीत करनी चाहिए, ये सीखना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपका उस बच्चे को देख करके या उनकी बातें सुन करके आपका दिमाग भी फिर डेविएट होने लगेगा। अब डेविएट होने लगेगा, बस यही चीज आपको नहीं करना है कि कंसंट्रेट करना है अपने आप को कि चाहे कितनी भी बातें हो जाए, कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए आपके साथ, लोग आपसे ईर्ष्या करें, आपको घर में भोजन नहीं मिले, आपके माता पिता को प्रताड़ित किया जाए, बहुत सारी बातें होती हैं, कितनी बातें हैं मैं आपको उदाहरण के तौर पर दूं। लेकिन कहने का मतलब यही है कि आपको अपना रास्ता तय करने में तमाम कठिनाइयां आएगी, चाहे वह परिवार से हो या समाज से हो या आपको देश से हो। तो क्या करना है आपको, हमें अपने रास्ते पर जो चलना है उस लक्ष्य को नहीं छोड़ना है और परिश्रम निरंतर करते जाना है। अब परिश्रम भी करिएगा, ठीक है, एक विद्यार्थी जैसे बहुत पढ़ रहा है, दूसरा विद्यार्थी कहेगा अरे चलो बहुत पढ़ता है, देखते हैं क्या करता है, कुछ इस तरह की बातें होने लगती है। अब आप तो अपना काम कर रहे हो, जैसे आप मेरी बातें सुन करके आप पढ़ने में बैठ गए कि नहीं मैडम ने कहा है, चाहे सर ने कहा है, मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छा काम करना है। लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ रहे हैं, उनको मन नहीं लग रहा है, उनका दिमाग कहीं और डिस्टर्ब है, कुछ और वह सोच रहा है, तो वह आपको डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि ये भी कठिनाई आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि श्रम ही सफलता का मूल मंत्र है। बिना परिश्रम का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हम कई बार असेंबली में भी चाहे ऐसे भी अदा किताब बोलते रहते हैं, देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्क। कोई भी अगर आपको लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो आपको हार्ड वर्क करना ही होगा, अभ्यास करना है, पूरे लगन उत्साह से करना है, और हम कठिनाई भरे मार्ग को सफल बना सकते हैं। और दो शब्द आता है, गर्व और घमंड। तो आप समझना इस चीज को, जैसे आमतौर पर मैंने भी देखा है बहुत लोगों को कि अगर बहुत, कुछ लोग बहुत ऊंचाई पर चले जाते हैं, किन्हीं के पास बहुत धन दौलत हो जाता है, किन्हीं को अपने सुंदरता का घमंड है, किन्हीं को अपने देश विदेश घूमने का, रहे मैं तो ये कर लिया, मैं तो वो कर लिया, जैसा हम लोग सुनते हैं। लेकिन मनुष्य को क्या करना चाहिए, सिर्फ अपने देश पर घमंड करना चाहिए, अपने अच्छे कर्मों पर घमंड करिए, लेकिन गर्व करिए, लेकिन घमंड नहीं करिए। घमंड हमको नहीं करना है। घमंड, अहंकार क्या है, अहंकार से हमारा विनाश हो सकता है। और देखिए, सीखने का, सीखने की ना तो कोई उम्र होती है, ना कोई सीमा होती है। आदमी मृत्यु सैया पर भी है तो कुछ न कुछ सीखता है, और अपने पिछले जो भी कर्म किए हैं, चाहे वो एक छोटा सा बच्चा हो या जो भी विद्वान हो, उस समय में भी हम कुछ सीखते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमें गर्व और घमंड में अंतर समझते हुए दूसरों से भी सीखना चाहिए। तो चलिए अब हम पाठ पर आ जाते हैं। गंगा तट पर दो आश्रम थे। कहाँ थे दो आश्रम? गंगा के तट पर।
पर गंगा के किनारे, और एक आश्रम में ऋषि राम्य और उनके दो पुत्र परावसु और अरवावसु। ठीक है, कौन से ऋषि रहते थे? एक ऋषि रायभ्य और दूसरा ऋषि भारद्वाज। ऋषि भारद्वाज का एक पुत्र था यवकृत। दोनों ऋषि जो थे अपने अपने पुत्रों के साथ रहते थे। अब रायभ्य ऋषि के दोनों पुत्र बहुत परिश्रमी थे, वे मन लगाकर पढ़ाई करते थे, उन्हें पाठ भी जल्दी याद हो जाता था, इसी कारण थोड़े समय में ही वे सबके प्रशंसा के पात्र बन गए। ऋषि भारद्वाज का पुत्र यवकृत आलसी घमंडी ईर्ष्यालु था। अब देखिए यहीं पर एक व्यक्ति के अंदर इतने सारे गुण, वह पढ़ने में मन नहीं लगाता था, उसे कोई भी पाठ याद नहीं होता था। अब क्यों नहीं याद होता था? जब आप पढ़ेंगे नहीं, परिश्रम करेंगे नहीं, तो आपको भी याद नहीं होगा। वह स्वभाव से झगड़ालू था और झगड़ा भी करता था एक दूसरे से, कोई भी उसका आदर नहीं करता था। अब मान लीजिए बच्चा है, तो बच्चे का तो कोई वैसे आदर नहीं करता है, क्योंकि वो ऋषि पुत्र थे, इसीलिए वह समझता था कि हम माँ में भी आदर मिलना चाहिए। यवकृत रैम्य ऋषि के पुत्रों से जलता था, उनको किससे किससे ईर्ष्या होती थी? तो वो जो रैम्य ऋषि थे उनके पुत्रों से, परावसु और अरवावसु। देखिए आगे क्या होता है। यवकृत रैम्य ऋषि के पुत्रों से जलता था, वह उन्हीं की तरह पढ़ाई में अच्छा तो बनना चाहता था, पर अध्ययन में रुचि नहीं लेता था, ना ही परिश्रम करता था। तब आप समझ सकते हैं कि जो आप पढ़िएगा नहीं, मेहनत नहीं करिएगा, तो कैसे आपका काम होगा। वह बिना पढ़े ही विद्वान होना चाहता था। अच्छा ये बताइए, बिना परिश्रम किए आप कोई काम कर सकते हैं? बिना भोजन पकाए क्या भोजन कर लेंगे? बिना बाजार से सामान लाए हुए हमारे यहाँ भोजन बनेगा? आप कपड़े का थान ले आइए, दर्जी को अगर नहीं दीजिएगा तो क्या आप अपने ड्रेस पहन सकते हैं? नहीं, सब जगह मेहनत आपको करना है। उसे एक युक्ति सोची, उसे कहीं से पता चल गया था कि तपस्या करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और वह मुंबाना वरदान देते हैं। तो कुछ ऐसी ही मंत्रणा उनके मन में चल रही थी कि भाई हम भी भगवान की पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, तो शायद हमें कोई वरदान मिल जाए कि बिना पढ़े हम पास कर जाएं। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। उसे एक युक्ति सूझी, वह तपस्या से इंद्र को प्रसन्न कर विद्वान बनने का स्वप्न देखने लगा। क्या करने लगा? वह तपस्या करके भगवान इंद्र से विद्वान बनने का स्वप्न देखने। चलिए देखते हैं, अब आप लोग भी स्वप्न देखते होंगे, लेकिन हम लोग तो ऐसा नहीं देखते हैं कि बिना काम किए हमारा ये काम पूरा हो जाए। उनकी कठोर तपस्या से इंद्र प्रकट हो गए। चलिए देखिए, तपस्या सफल हो गई, लेकिन क्या होता है? बोले बस मैं तुमसे प्रसन्न हूँ वरमान। ठीक है, यवकृत की खुशी का ठिकाना नहीं था, मतलब बहुत। अब यहाँ पर ये देखिए, खुशी का ठिकाना ना रहा, यह एक मुहावरा है जिनमें की जिसका अर्थ होता है अति प्रसन्न या बहुत प्रसन्न होना। उसने कहा देख आप बोल दीजिए कि मुझे बिना पढ़े ही सब विद्या आ जाए। इंद्र ने कहा बस बिना पढ़े यह संभव नहीं है। यवकृत उनकी बात सुनकर बहुत निराश हो गया, कहा कि अब तो भगवान भी प्रकट हो गए लेकिन हमें ये चीज नहीं मिला। वह सुन रहा था कि तपस्या से सब कुछ प्राप्त हो सकता है, उसने फिर से घोर तपस्या किया। देखिए तपस्या, वह अपनी पूरी शक्ति लगा रहा है लेकिन गलत दिशा में। अब इसी से रिलेटेड कालिदास का आपने नाम सुना होगा कि उनको बिना पढ़े ही विद्वान बन गए, तो सब कोई कालिदास तो हो नहीं सकता है। चलिए आगे देखते हैं। इंद्र देवता उसके हठ और ना समझी पर हैरान थे। अब कहे भाई तपस्या तो कर रहा है, इसको वरदान भी देना है, लेकिन वह जो ना समझे कर रहा है उस पर उन्हें हैरानी हो रही थी कि अभी इसका काम कैसे किया जाए। फिर तो लोगों को ईश्वर भगवान के प्रति आस्था नहीं रहेगी। उन्होंने यवकृत को समझाने की तरकीब सोची। देखिए क्या तरकीब किया। एक दिन यवकृत गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, ऋषि पुत्र गंगा स्नान करने के लिए चले। रास्ते में एक वृद्ध बैठा था। क्या कर रहा था वृद्ध? वह मुट्ठी भर रेत लेकर उठाकर नदी के जल में दे रहा था। ठीक है, उसे देख लिया वृद्ध हैरान, भाई क्या है, क्या कर रहा है? पास जाकर के पूछा आप ये क्यों कर रहे हैं? वृद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया। ये वृद्ध ने पूरा जोर से पूछा। वृद्ध ने कांपते स्वर से कहा बेटा नदी पार करने वाले को मैं बहुत कष्ट होता है, सोचता हूँ कि एक बांध बना दूंगा। अब लीजिए साहब, कैसे बांध बनेगा मुट्ठी भर रेत से, जिससे लोग आसानी से नदी पार कर सके, इसलिए रेत नदी में फेंक रहा हूं। बताइए नदी में रेत फेंकने से पुल बन जाएगा, बांध बन जाएगी?
यवकृत वृद्ध की बात सुनकर ठहाका लगा कर हंसने लगा। भला इस मुट्ठी पर रेत से थोड़ी बांध बनेगा, फेंकते रहो। इतना सुनना था कि इंद्र अपने असली रूप में प्रकट हो गए। सब समझ गए। यवकृत आश्चर्यचकित हो गया। इंद्र बोले, बेटा यवकृत, तुम्हारी तपस्या ही रेत फेंकने के समान है। बिना अध्ययन किए भला कोई शास्त्रों का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है। यवकृत की आंखें खुल गई। तपस्या छोड़कर वह अध्ययन में जुट गया। उसे पढ़ते देख ऋषि भरद्वाज अति प्रसन्न हुए और अत्यंत परिश्रम और लगन से यवकृत थोड़े ही समय में सब वेद शास्त्रों के ज्ञाता हो गए और वे समझ गए कि सफलता का मूल मंत्र मिल गया। कहने का मतलब कि अपने आप शक्ति लगाइए, मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, लेकिन सही दिशा में। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपका सिर्फ एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें अच्छे से अच्छा ज्ञान प्राप्त करना है, परीक्षा में बढ़िया अंक लाना है और हमें एक अच्छा इंसान भी बनना है। तो चलिए इसी पाठ को आगे बढ़ते हुए हम लोग नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप सभी इस कहानी को फिर पढ़ेंगे और मूल मंत्र जो लिखा हुआ है एक बार आप देख लें। मैंने मूल मंत्र लिखा हुआ है, श्रम ही सफलता का मूल मंत्र है। इसको आप कॉपी में लिख लें और आप इसको आप पेज में जो लिखते हैं राइटिंग में भी इस सेंटेंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। श्रम ही सफलता का मूल मंत्र है। अभ्यास, लगन व परिश्रम से हर कठिनाई भरे मार्ग को सरल बनाया जा सकता है। हमें गर्व व घमंड में अंतर समझना चाहिए तथा दूसरे से सीखने का प्रयास करना चाहिए। मैंने लिख दिया है, आप इसको कम से कम 3 पेज राइटिंग के तौर पर लिख सकते हैं मुख्य बातें। और जनरल आप मेरे हिंदी व्याकरण का भी वीडियो सुने, उसमें मैंने बहुत सारी बेसिक्स ग्रामर की चीजें बताई हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण से लेते हुए भी मैं पत्र लेखन वगैरह लिखवा रही हूँ, निबंध पर चर्चा हम कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले में आपका यहाँ भी विलोम शब्द है। एक बार मैं 2 मिनट का और समय लेती हूँ, पढ़ देती हूँ। जैसे आशा का विलोम शब्द लिखना है तो आपको मैच का फॉलोइंग करनी है। आशा का निराशा, सरल का कठिन, संभव असंभव, दुर्गम सुगम, प्रसन्न प्रश्न उत्तर और प्रत्यक्ष परोक्ष। एक चीज और आपको थोड़ा ध्यान देना है कि जैसे बड़ा और वृद्ध, तो विशेषण तथा विशेष के जोड़े बनाने के लिए आपको इस ग्रामर में दिया गया है। विशेषण की मैंने चर्चा की थी। तो अब जैसे झगड़ालू, एक मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ। झगड़ालू बालक, एक तट, विशाल आश्रम। इस तरह से 2-3 और दिए गए, वो आप कल कर लीजिएगा। और गंगा तट, तो लिखा है गंगा का तट, तो ऋषि पुत्र को क्या लिखिएगा? ऋषि का पुत्र। यज्ञशाला, तो यज्ञ का शाला, मतलब जहां यज्ञ की जाती है। हवन सामग्री, तो हवन की सामग्री। इस तरह से आपको सेपरेट करके लिखना है और फिर आपको लिखना है इनके लिंग। तो इसको कल हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, फॉर नेक्स्ट क्लासेस।